नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बाइट। बिहार विधानसभा में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। उस नामांकन के अनुसार उन्होंने अपना जो एफिडेविट भी जारी किया है, उस एफिडेविट में वो अपने बड़े भाई तेज प्रताप से ज़्यादा अमीर हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप की संपत्ति 2,83,00,000 है, जबकि तेजस्वी यादव ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया है उसमें उनकी संपत्ति 5,88,00,000 है। आपको बता दूं, उस हल्फनामा में तेजस्वी यादव ने ये भी अब बताया है कि उनके ऊपर 11 केसेज हैं। हम आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव जब उन्होंने पहली बार लड़ा था, तो उन्होंने जब अपना हल्फनामा दायर किया था उस समय उनके केस की संख्या मात्र 1 थी, यानी कि 5 साल में उनके ऊपर 11 केसेज हो गए। साथ ही साथ आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव जो बिहार में बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से घूमा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने हल्फनामा में ये स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप के पास एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत 15,00,000 है, एक BMW गाड़ी के वो मालिक हैं, और साथ ही साथ उनकी संपत्ति, जो कुल संपत्ति उन्होंने बताई है वो बताई है 2,83,00,000। इस तरह से 5 साल में तेजस्वी यादव की संपत्ति 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है और आज वो 5,88,00,000 की संपत्ति के मालिक हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि तेज प्रताप उम्र में तेजस्वी यादव से बड़े हैं, लेकिन एफिडेविट के अनुसार तेजस्वी यादव बड़े हैं और तेज प्रताप छोटे हैं। ये हैं हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटों के लेखा जोखा। चलिए देखते हैं आगे और उनके बारे में क्या विस्तृत जानकारी निकलती है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।